दोस्तों, आप सबका स्वागत है प्रो एडिटिंग लुक्स में। मैं हूं अंजन। आज दोस्तों मैंने आपको वादा किया था कि इस लॉक का जो फुटेज है कलर ग्रेडिंग मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैंने ट्रेलर दिखाया था, तो उसको ही मैं आज आपको दिखा दूंगा कैसे दोस्तों इस लॉक फुटेज में आपको कलर ग्रेड करना है। सोनी का फुटेज है, तो चलिए दोस्तों वीडियो पर चलते हैं। ये डे लाइट पर लिया गया एक फुटेज है। यहाँ से देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ से सनलाइट है इस साइड पे, ठीक है ना। ये देखिए दोस्तों सनलाइट यहाँ पे है, यहाँ पे सनलाइट है। इस साइड पे टोटल शेडो है दोस्तों, ठीक है ना, इस साइड पे शेडो है। एंड ये मेरा सब्जेक्ट है एकदम मिडिल पे। मुझे एक काम करना है, मुझे एकदम सिनेमेटिक एक क्लिप यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो वो कैसे दोस्तों, वो उसका तो कलर ग्रेड प्रोसेस मैं बता दूंगा, लेकिन इससे पहले दोस्तों लाइट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। आप देखिए सन कहाँ है, सन इधर है, ठीक है ना। इस साइड से सनलाइट आ रहा है, मतलब मुझे इस साइड पे हाईलाइट चाहिए एंड इस साइड पे शेडो चाहिए, मतलब यहाँ पे भी मुझे शेडो चाहिए। ये देखिए दोस्तों शेडो है एंड ये वाला लाइट है, सब सनलाइट है, यहाँ पे शेडो है, मतलब यहाँ पे बहुत सा काम करना है। बहुत ही ये सुपर्ब है, ये जो फुटेज है ये मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा दोस्तों। बहुत ही ख़ास एक बात है लाइट के ऊपर, लाइट को बहुत ही अच्छे तरह से मैनेज करना पड़ता है, इसलिए दोस्तों मैंने इस फुटेज को चूज़ किया था ऐसे ही ट्यूटोरियल बनाने के लिए, ताकि मैं आपको दिखा सकूं दोस्तों कि जो लाइट है एंड ये जो शेडो है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको कैसे आप बहुत ही अच्छी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। पर्टिकुलर जहाँ पे दोस्तों लाइट है यहाँ पे पर्टिकुलर कलर होगा, एंड शेडो जहाँ पे है दोस्तों वहाँ पे एकदम ही शेडो ब्लैक कलर पे हो जाएगा। तो वो कैसे क्रिएट करना है दोस्तों, मैं आपको दिखाई देता हूँ अभी। पहले दोस्तों जो नोट ट्री है उसको बनाना पड़ता है, लेकिन मैं जो काम करता हूँ, मैं पहले नोट ट्री नहीं बनाता, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, मतलब मुझे जो ज़रूरत होगा उस हिसाब से मैं नोट ट्री बनाता जाऊँगा, ठीक है ना। मैं पहले ही नोट ट्री नहीं बनाता, तो मुझे पहले जो चाहिए दोस्तों वो है एक और यहाँ पे नोट लूँगा, फर्स्ट नोट छोड़ दूँगा नॉइस के लिए। ये सेकेंड नोट है, इस पर दोस्तों मैं सिंपली CST कर दूँगा, ठीक है ना। ये सोनी का फुटेज है, तो सिंपली ये जो सोनी एस कैमरा 3C है इसको क्लिक करूँगा एंड यहाँ से दोस्तों इनपुट गामा होगा सोनी लॉग, ठीक है ना। एंड आउटपुट कलर स्पेस जो है ऑफकोर्स वो रेक 709 ही होगा, एंड गामा हमेशा ये ब्रॉडकास्ट के लिए है, यूट्यूब के लिए, तो 2.4 ही मैं रखूँगा, ठीक है ना। अभी कलर को थोड़ा सा बैलेंस करना है, ये तो मेरा लॉक फुटेज को मैंने कन्वर्ट कर दिया रेक 709 पे, ठीक है ना। हाईलाइट बहुत ही ऊपर है, हाईलाइट को नीचे लाना पड़ेगा, नीचे जो शेडो एरिया है इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले प्राइमरी कलर व्हिस्क पे चलते हैं एंड हाईलाइट जो है उसको नीचे लेके चलते हैं ऐसे, ओके। शेडो को भी थोड़ा सा नीचे लेके चलेंगे। तो दोस्तों जो कर्व्स हैं आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट लुक क्रिएट करने की कोशिश की। कभी भी दोस्तों जो लॉक फुटेज है उस पर आप जब भी कर्व्स पे ऐसे कॉन्ट्रास्ट लुक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो दो डॉट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमेशा चार डॉट होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे चार डॉट दिए, 1 2 3 4, ठीक है ना। हाईलाइट के लिए दो होगा, शेडो के लिए दो होगा, ठीक है ना। कभी भी दो डॉट मतलब सिर्फ शेडो के लिए एक एंड हाईलाइट के लिए एक वो बिल्कुल मत कीजिएगा, हमेशा चार डॉट मिनिमम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। ये सीक्रेट है जो दोस्तों सोनी लॉक का फुटेज होता है इस पर कलर ग्रेड करना, एक तो आसान होता है और ऊपर से मुश्किल भी होता है। आसान इसलिए दोस्तों क्योंकि लॉक फुटेज हमेशा कलर ग्रेड करने में बहुत ही इजी होता है, क्योंकि कलर का जो एक बैलेंस होता है बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों मुश्किल इसके लिए इसलिए भी होता है क्योंकि इसको कलर ग्रेड करना
मतलब आप जो सिनेमेटिक कलर ग्रेड करना चाहते हैं इसके लिए दोस्तों आपको हर एक क्लिप पे मिनिमम 15 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स चाहिए हर एक क्लिप पे। अगर स्किन टोन को ठीक करना है तब तो और ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्किन टोन नहीं है तो इसके लिए ये थोड़ा सा कम समय में भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों मैंने कर्व्स तो ठीक कर ली, कॉन्ट्रास्ट एक लुक मैंने क्रिएट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये रहा बिफोर एंड आफ्टर, मैंने कितना कॉन्ट्रास्ट लुक क्रिएट किया, ठीक है ना। एंड हमेशा एक बात याद रखिएगा, कॉन्ट्रास्ट करने पे सैचुरेशन को कम करना होता है एंड सैचुरेशन को अगर बढ़ाएंगे तो कॉन्ट्रास्ट को कम करना होता है। कॉन्ट्रास्ट एंड सैचुरेशन हमेशा दोनों अपोजिट रहना चाहिए, ठीक है ना। लॉक फुटेज में कोई भी फुटेज हो, मतलब जब भी हम कोई भी जो क्लिप है उसको कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक वो सैचुरेटेड ही हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें थोड़ा सा यहाँ से सैचुरेशन को कम करना होगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर, ओके परफेक्ट। ये यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट शेडो परफेक्ट मेरा निकल आ चुका है। अभी मुझे एक हीरो फ्रेम चाहिए, हीरो फ्रेम मैं यहाँ पे ही रखूँगा ये वाला, ओके ये परफेक्ट एक हीरो फ्रेम है। मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर हाईलाइट शेडो मिड टोन सब कुछ क्लियरली मुझे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है ना। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर कितना अच्छा है, ये बेस हो गया दोस्तों। अभी अभी इसको और हमें खेलना है कितना अच्छा मैं यहाँ पे कलर यूज़ कर सकता हूँ हाईलाइट पे शेडो पे। तो दोस्तों मैंने लेयर मिक्सर को क्रिएट किया है यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो बॉटम वाला लेयर है यहाँ पे दोस्तों मैं पहले रेड कलर को चूज़ करूँगा, यहाँ पे क्वालिफायर पे चलते हैं दोस्तों एंड यहाँ से दोस्तों जो रेड कलर है इसको चूज़ कर दूंगा, या फिर आप जो कहाँ पे कलर्स, या फिर आप कलर्स पे चल के जो प्रीसेट है यहाँ से भी रेड कलर को चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक ही रेड कलर ही सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो परफेक्ट सिलेक्शन हुआ। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्री फिल्टर कर दूंगा क्लीन ब्लैक, ब्लर करना ज़रूरी है दोस्तों तो ब्लर कर दूंगा यहाँ पे। एंड नंबर टू पे चलते हैं डी नॉइस, ठीक है ना। तो परफेक्ट देखिए दोस्तों मेरे रेड जो है परफेक्ट सिलेक्शन हो गया है। तो अभी दोस्तों नंबर टू वाला जो लेयर मिक्सर है यहाँ पे मुझे येलो कलर को सिलेक्ट करना है। ये जो येलो कलर है वही सेम कलर पेज पे चलते हैं प्रीसेट एंड येलो। तो ये देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक येलो जो कलर है इसको ही सिलेक्ट किया है, साइड पे भी कुछ सिलेक्ट किया है। देखिए दोस्तों जो ट्रीज पे येलो है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप विंडोज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल विंडोज़ का यूज़ नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दूंगा। देखिए साइड में जो येलो कलर चूज़ हुआ था वो लगभग चला गया, तो मैं यहाँ से दोस्तों प्री फिल्टर कर दूंगा, क्लीन ब्लैक फिर से करना पड़ेगा, क्लीन वाइट कर दूंगा, थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा यहाँ पे। ब्लर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो एज है दोस्तों एज हमेशा ब्लर ही होना चाहिए, तो कलर आपको सेपरेट नहीं दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा कि मिक्सचर है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे लुक को चेंज करना पड़ेगा। मैंने क्यों लेयर मिक्सर को चूज़ किया, मतलब जो साड़ी का कलर है रेड एंड येलो, क्योंकि मुझे साड़ी के कलर पे कोई भी एक्स्ट्रा कलर ऐड नहीं करना, ये रेड एंड येलो ही रहे, ठीक है ना। लेकिन जो साइड वाला हिस्सा है दोस्तों, ये जो हाईलाइट है या फिर शेडो है, यहाँ पे मुझे अभी लुक क्रिएट करना है। इसके लिए ही दोस्तों जो सब्जेक्ट है उसको पहले ही लेयर मिक्सर पे ऐसे अलग करके रखिए ताकि उसके अंदर कोई भी कलर ऐड ना हो, ठीक है ना। एंड हमें अभी लुक क्रिएट करना है। तो जो दोस्तों कलर व्हील्स है यहाँ पे दोस्तों जो गेन है इसको थोड़ा सा योलो की तरफ ऐसे लेके चलते हैं। तो देखिए दोस्तों हाईलाइट जो था वो ऑटोमेटिक योलो कलर पे हो गया, ठीक है ना। हमें अभी जो गामा है, गामा मतलब मिड टोन, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन पे लेके आना है, जो गेन है उसका ऑपोजिट पे। थोड़ा सा ग्रीन टोन मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, जो शेडो वाला एरिया है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो, ओके ये देखिए दोस्तों बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर थोड़ा सा कलर हमें अभी मिल गया है साइड पे। तो हमें एक्स्ट्रा और एक नोट यहाँ पे लेना है, हमें अभी थोड़ा सा बैलेंस करना है कलर को, जो कलर ऊपर चला गया उसको भी बैलेंस करना है। तो उसके लिए दोस्तों लॉग व्हील्स पे चलते हैं एंड जो रेड है, रेड देखिए ऊपर चला गया तो रेड को थोड़ा सा मैं नीचे लेके चलूँगा यहाँ पे। तो हमें अभी शेडो को भी ठीक करना है, शेडो पे देखते हैं दोस्तों रेड एंड ब्लू नीचे चला गया है, तो इसको भी ठीक करना है, रेड को थोड़ा सा ऊपर उठाता है ऐसे।
एंड जो ब्लू है इसको भी थोड़ा सा ऊपर उठा दूंगा। परफेक्ट। ओके, मेरा जो बैलेंस है वो परफेक्ट हो चुका है यहाँ पे, देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है ना। हमें अभी एक ऑड एक नोड लेना है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं विंडोज़ है उसका यूज़ करूँगा ताकि हमें अभी परफेक्ट एक जो सिलेक्शन है शेडो एरिया ये मिल जाए। एंड विंडोज़ पे चलते हैं, हमें अभी ये जो ग्रेडियंट विंडो है इसको ही यूज़ करना है। ये देखिए दोस्तों ग्रेडियंट विंडो, इसको मैं लेफ्ट साइड पे यहाँ पे लेके चलूँगा ऐसे, एंड इसको कर दूँगा इनवर्ट। मतलब ये शेडो इस तरफ ही मुझे शेडो एरिया चाहिए, क्योंकि सनलाइट राइट साइड पे था तो लेफ्ट साइड पे शेडो एरिया चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे ऐसे इसको यूज़ करूँगा। या फिर दोस्तों आप कलर इस पे चलिए, एंड गामा जो है गामा को भी कम कर सकते हैं यहाँ से तो भी होगा। शेडो थोड़ा मैं नीचे लेकर चलूँगा। फिर से दोस्तों और एक नोड लेते हैं यहाँ पे, एंड फिर से विंडोज़ का यूज़ करूँगा, फिर से वही ग्रेडियंट विंडो, एंड इस साइड पे मुझे अभी चाहिए ग्रेडियंट विंडो। तो दोस्तों हाईलाइट को ऑन करते ही आपको मिल जाएगा कहाँ पे आपका विंडो का इफेक्ट होगा, मतलब शेडो एरिया आप क्रिएट होगा। थोड़ा सा मैं रोटेट कर दूंगा इस साइड पे, थोड़ा सा मैं और ज़्यादा शेडो यहाँ पे ऐड कर दूंगा। गामा को फिर से नीचे लेके चलते हैं यहाँ पे, परफेक्ट। ओके, एंड ये वाला जो विंडो है इसको भी, जो ग्रेडियंट विंडो हमने यूज़ किया था इसको भी थोड़ा सा और शेडो को कम कर देंगे यहाँ पे। देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक हमें अभी एक सिनेमेटिक कलर है वो मिलना शुरू हो चुका है, मतलब शेडो हाईलाइट मिड टोन परफेक्ट मुझे मिल रहा है, ठीक है ना। एंड लास्ट नोट पे मैं यहाँ पे ये जो सर्कल विंडो है इसको यूज़ करूँगा, एंड इसको ऐसे दोस्तों यूज़ करूँगा मैं, जो सब्जेक्ट है वो रहेगा, एंड जो हाईलाइट है यहाँ पे मैं इसको सेंटर पे रखूँगा, हाईलाइट यहाँ से आएगा, एंड इस साइड पे दोस्तों शेडो हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यही चाहिए मुझे, जस्ट मैं इसको इतना सा सॉफ्ट कर दूंगा, ठीक है ना। ये देखिए दोस्तों बीच में सिलेक्शन हुआ, मतलब मैं अगर अभी कोई भी इफेक्ट्स क्रिएट करूँगा तो वो बीच में होगा, तो मुझे बीच में नहीं चाहिए, मुझे साइड पे चाहिए, तो इसके लिए इन्वर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है ना। मैंने इन्वर्ट कर दिया तो हमें अभी साइड वाला हिस्सा मुझे सिलेक्शन हुआ, तो यहाँ पे ही मुझे शेडो एरिया चाहिए। ये देखिए दोस्तों बिफोर क्या था साइड में, एंड दोस्तों आफ्टर देखिए, ठीक है ना, एकदम परफेक्ट मुझे नेचुरल शेडो मिल गया इस साइड पे, एंड इस साइड पे लाइट है, इस साइड पे शेडो है, बीच में मिड टोन परफेक्ट। ये देखिए दोस्तों हाईलाइट वाला एरिया दोस्तों एंड शेडो परफेक्ट है। अभी देखिए दोस्तों एकदम बिफोर क्या था, यहाँ पे सब कुछ क्लियरली मेंशन था कहाँ पे क्या है, मैंने किया गया पर्टिकुलर शेडो एरिया पे मैंने शेडो कर दिया, पर्टिकुलर हाईलाइट पे दोस्तों मैंने हाईलाइट क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। आप मेरे बिग स्क्रीन पे देख सकते हैं जहाँ पे दोस्तों शेडो है शेडो है, जहाँ पे हाईलाइट है हाईलाइट, एंड और भी ज़्यादा जो शेडो एरिया है वो एकदम मैंने डार्क कर दिया, तो परफेक्ट मुझे यहाँ पे हाईलाइट मिड टोन एंड शेडो एरिया मिल गई। हमें दोस्तों एक और नोड यहाँ पे लेना है, एंड हमें अभी जो हाईलाइट है दोस्तों कलर व्यूज पे चलिए, हाईलाइट पे मैं यहाँ पे येलो टोन जो है इसको ऐड कर दूंगा, मुझे येलो टोन चाहिए यहाँ पे हाईलाइटेड एरिया पे, ठीक है ना। ये देखिए दोस्तों हाईलाइट पे मेरा येलो टोन ऐड हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है हाईलाइट पे। ये देखिए दोस्तों बिफोर बिफोर क्या था देखिए दोस्तों, एंड आफ्टर यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। हाईलाइट जो येलो कलर पे है, एंड अभी हाईलाइट तो येलो कलर पे हो गया, अभी मिड टोन को ठीक करना है। मिड टोन थोड़ा सा मैं अपोजिट लेके चलूँगा जो हाईलाइट था, लॉग व्हील्स पे जो शेडो है इसको ही लेके चलना है, पर्टिकुलर शेडो एरिया पे मुझे साइन कलर चाहिए पर्टिकुलर शेडो। तो देखिए दोस्तों मैंने जो हाईलाइट मिड टोन एंड शेडो है इसको थोड़ा सा चेंज किया। ये देखिए दोस्तों बिफोर बिफोर क्या था देखिए दोस्तों हाईलाइट पे, ये वाला हाईलाइट शेडो पे देखिए दोस्तों बिफोर क्या था, एंड आफ्टर ये देखिए दोस्तों हाईलाइट क्या हुआ, हाईलाइट एकदम ही येलो कलर की तरफ हो गया, ठीक है ना। मुझे यही चाहिए था क्योंकि ये सनसेट वाला क्लिप था, सनसेट के टाइम पे थोड़ा सा जो सनलाइट होता है वो येलो कलर की तरह ही होता है,
तो इसलिए येलो कलर शेडो को मैंने थोड़ा सा ग्रीनिश टोन देने की कोशिश की यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी एक और नोड लेते हैं यहाँ पे, इसको अभी बैलेंस करना है। आप देख सकते हैं जो रेड है बहुत ही ऊपर है, एंड थोड़ा सा इसको बैलेंस करना है। तो मैं यहाँ से करूँगा, लॉक्स पे चलते हैं, लॉग व्हील पे, एंड रेड जो है हाईलाइट से रेड को नीचे लेके चलते हैं यहाँ पे। ओके, देखिए दोस्तों मैंने बैलेंस कर दिया है, एंड शेडो एरिया को भी थोड़ा सा मैं रेड को ऊपर लेके चलूँगा यहाँ पे। ठीक है ना, एकदम परफेक्ट है मेरे लिए, तो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो अभी यहाँ से चलते हैं, एंड एक दोस्तों नोट और यहाँ पे लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं दोस्तों जो ग्लो है उसको ऐड करना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों ग्लो, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, एंड जो कॉम्पोजाइट टाइप है ये देखिए दोस्तों ग्लो ऐड हो चुका है जहाँ पे मुझे चाहिए, लेकिन जो कॉम्पोजाइट टाइप है इसको कर देता है सॉफ्ट लाइट। तो दोस्तों सॉफ्ट लाइट तो मैंने कर दिया है, अभी ये जो शाइन थ्रेशोल्ड है इसको मुझे पूरे एरिया पे चाहिए ग्लो। ठीक है ना, पर्टिकुलर इस जगह पे नहीं चाहिए, ग्लोइंग इफेक्ट है ये चलाया है। एंड गेन को मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, एंड गामा को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। बिफोर क्या था देखिए दोस्तों, बिफोर एकदम ही रॉ फुटेज था, एकदम ही लॉग पे एकदम ही रॉ फुटेज जैसा ही था। इसको किस तरह से दोस्तों मैंने चेंज किया है आप देख सकते हैं, लाइट रेस ये जो इफेक्ट है इसको यूज़ करना पड़ेगा। अभी शाइन थ्रेशोल्ड को जो है इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा यहाँ पे। जो दोस्तों पोजीशन है आप देख सकते हैं पोजीशन, तो इसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा स्क्रीन। एंड ये जो पॉइंटर है दोस्तों इसको सन जहाँ पे है इस तरफ लेके चलिए, एंड लाइट यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, एकदम परफेक्ट हो चुका है। अभी इसको कर देते हैं बड़ा, स्क्रीन को थोड़ा सा फिट कर देते हैं यहाँ पर, एंड हमें अभी जो लेंथ है इसको ठीक करना है, थोड़ा सा हमें अभी यहाँ पर खेलना है। ओके, परफेक्ट है एकदम, ठीक है ना, हमें अभी जो लेंथ है इसको, एंड पहले दोस्तों सॉफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे सॉफ्टनेस चाहिए सनरेस पे, ये हो गया सॉफ्टनेस। एंड लेंथ जो है इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ठीक है ना, एंड लेंथ अभी थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा यहाँ पे, एंड जो शाइन थ्रेशोल्ड है इसको अपने हिसाब से मैं खेलूँगा, जहाँ पर मुझे ठीक लग रहा है वहाँ पर मैं छोड़ दूँगा। लेकिन अभी देखिए दोस्तों जितना कलर ग्रेड हुआ है वो किस तरह का कलर ग्रेडिंग हुआ है, ठीक है ना, कितने नोट पे मैंने काम किया आप देख सकते हैं यहाँ पे, 15 नोट पे मैंने काम किया है। ठीक है ना दोस्तों, अभी मेरा स्कोप्स एकदम परफेक्ट है, हाईलाइट भी परफेक्ट है, मिड टोन परफेक्ट है, शेडो परफेक्ट है, बस एक और काम करना है दोस्तों, सिर्फ आपको टाइम लाइन पर चलना है, आउटपुट ब्लैंकिंग एंड 2.0, एक सिनेमेटिक जो बार है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों मेरा सिनेमेटिक बार क्रिएट हो गया, अभी आपको मैं दिखाता है एकदम बिफोर। बिफोर एक क्या था देखिए दोस्तों, बिफोर ये था, ठीक है ना, एंड इसको मैंने क्या कर दिया देखिए दोस्तों, एंड आफ्टर, परफेक्ट सिनेमेटिक कलर ग्रेडिंग इसे ही कहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों, आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है लाइक कमेंट करने पे, शेयर करने पे, दूसरों को भी मिलता है ऐसा ट्यूटोरियल देखने में, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे और ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है दोस्तों। आप अगर शेयर करते हैं तो, कॉमेंट करते हो तो मुझे हौसला मिलता है, लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, और ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।